की खबर रायपुर से है, जहां पूर्व सीएम बघेल ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तंज कसा है। मंत्रिमंडल में दिग्गजों को नहीं मिली है जगह, ये पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार हालांकि कल हो गया है, लेकिन यहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा मंत्रिमंडल में दिग्गजों को जगह नहीं मिली है। देखिए, इसमें रेणुका सिंह जी की लोकसभा से विधानसभा लड़ा है, उसको भी कुछ नहीं मिला। फिर गोमती साय को भी सांसद से आपने विधानसभा लड़ाया, उसको भी कुछ नहीं मिला। फिर आप देखेंगे कि अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, फिर उसके बाद आ जाइए राजेश मुणक, फिर अजय चंद्राकर, फिर विक्रम उसेंडी, तमाम सीनियर लीडर है, उसको दरकिनार कर दिया गया। तो ये सारे अनुभवी नेता हैं, अब इसको साइडलाइन किया गया है। और जो पहली बार के जो विधायक बने हैं उनको मंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री तक बनाया गया है। भाई, भारतीय जनता पार्टी में जो एक बार का विधायक है उसको राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिए, पिछले समय बागी होकर लड़े थे उसको बना दिया गया, तो फिर बजट के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से